नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद अहमद खान। सुपोषित भारत की परिकल्पना को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पोषण माह से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं इस अंक की। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आगरमालवा जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर की थीम पर आगरमालवा जिले में भी राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत रैलियां निकालकर हुई। वहीं ANM आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 6 वर्ष से कम बच्चों की लंबाई ऊंचाई व वजन लेने हेतु घर घर भेंट कर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग व अन्य विभागों के समन्वय से कुपोषण को मिटाने के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों के बाद अब वर्तमान में जिले में मध्यम कुपोषित बच्चों की संख्या 1245 तथा गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या मात्र 117 रह गई है। इसके पूर्व जिले में 1182 गंभीर तथा 3500 से अधिक मध्यम कुपोषित बच्चों की संख्या थी। कुपोषण को मिटाने के लिए जिले में किए जा रहे प्रयासों के बारे में आकाशवाणी से चर्चा करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी निशी सिंह ने बताया। अच्छा पोषण विकल्प है जो हमें स्थानीय खाद्य सामग्री और मोटा अनाज के उपयोग से प्राप्त हो सकता है। इसी थीम को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय पोषण माह में हम आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषणवाड़ी के रूप में विकसित कर रहे हैं और महिलाओं और समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सही पोषण से देश रोशन हो और कोरोना और अन्य बीमारियों पर विजय मिल सके। कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे रहे क्षेत्रीय भोजन की डोर। आपका पोषण आपका अधिकार, पोषित परिवार देश का है आधार। इसी थीम को ध्यान में रखकर हम पूरे माहभर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें पोषण वाटिका भी हम लोग निर्मित कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पे जो मोटे अनाज से बनने वाले खाद्य सामग्री है, पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता है, स्तनपान और स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता है। इस तरीके के हम बहुत सारे आयोजन इस माह में कर रहे हैं, जिससे कि पोषण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता आए और कोरोना और अन्य बीमारियों से बचाव हो सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। अनूपपुर जिले में भी पोषण माह के तहत 5 चरणों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा। भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए जीवन चक्र अप्रोच अपना करके चरणबद्ध ढंग से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार कर एवं महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत कुपोषण को समयबद्ध तरीके से दूर करने के लिए आगामी 3 वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अनूपपुर जिले में 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इस मास में 5 चरणों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी विनोद प्रस्ते ने बताया कि अनूपपुर जिले में पोषण अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 से 30 सितंबर तक किया जा रहा है। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिनके अलग अलग सप्ताह की अलग अलग थीम है। प्रथम सप्ताह में आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत भवनों, अन्य सार्वजनिक स्थल पर पोषण वाटिका के रूप में पौधारोपण किया जाएगा। द्वितीय सप्ताह में पोषण के लिए योग एवं आयुष का उपयोग गर्भवती बच्चे एवं किशोरी बालिकाओं हेतु योगाभ्यास सिखाया जाएगा। तृतीय सप्ताह में हाई बर्डन क्षेत्रों में हितग्राहियों को न्यूट्रिशन किट एवं IEC जागरूकता संबंधी सामग्री का वितरण किया जाएगा। चतुर्थ सप्ताह में सैम बच्चों का चिन्हांकन कर पौष्टिक भोजन का वितरण किया जाएगा। खाद्य विविधता को बढ़ावा दिए जाने हेतु क्षेत्रीय खाद्यान्न, मोटा अनाज, दाल, बारहमासी उपलब्ध खाद्यान्न एवं स्थानीय मौसमी फल सब्जी आदि का प्रयोग भोजन में सुनिश्चित हम कर रहे हैं।
इन खाद्यान्न को बच्चे, गर्भवती, धात्री माताओं को खिलाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही पारंपरिक सामुदायिक भोजन पद्धतियों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित कर कुपोषण को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सोनम जनवार शांति नगर अनूपपुर में रहती हूँ और अभी 1 सितंबर से प्रतिदिन आंगनबाड़ी जाती हूँ। इस समय आंगनबाड़ी में पोषण माह का आयोजन किया जाता है, जिससे मुझे और मुझ जैसी बहुत सी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारी प्राप्त होती है एवं हम स्थानीय सामग्री से और अनाजों, फलों से तरह तरह के व्यंजन बनाना भी सीखते हैं, जिससे बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं और पौष्टिक भी होता है। मेरा बच्चा मोहित जनवार, जो कि अति गंभीर कुपोषण का शिकार था, मैंने आंगनबाड़ी दीदी की सलाह पर उसे 14 दिन NRC में भर्ती कराया और NRC में भर्ती कराने के बाद मैं उसके खान पान पर आंगनबाड़ी दीदी की निगरानी में ध्यान देना शुरू किया। आज मुझे ये गर्व है ये बताते हुए कि मेरा मोहित सामान्य कैटेगरी में है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रीय पोषण मास के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों में ठिंगेपन से बचाव में उनकी कुल 6% की दर में कमी लानी है। इसके लिए 2% दर प्रति वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 6 वर्ष के बच्चों में पोषण के बचाव और उसमें भी 2% प्रति वर्ष की दर से 6% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। 6 वर्ष से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रचार, उसको 9% की दर में कमी लानी है, जिसके लिए 3% प्रति वर्ष की दर की कमी का लक्ष्य रखा गया। कम वजन के साथ साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6% के प्रतिवर्ष 2 वर्ष की दर से कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। उधर बैतूल जिले में 1 से 30 सितंबर तक 4th राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता मयंक भार्गव ने बताया कि 4 सप्ताह तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत, कुपोषण मुक्त भारत के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 1 से 30 सितंबर तक 4th राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। अभियान के तहत सामुदायिक भागीदारी पर विशेष फोकस रखा जा रहा है, ताकि हर नागरिक पौष्टिक आहार के महत्व को समझ सके। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के तहत 4 सप्ताह में 4 अलग अलग थीम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आहार में विविधता और पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए बाजरा, दालें, बारामासी और मौसमी स्थानीय सब्जियों, फलों आदि के उपयोग के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इन गतिविधियों को उत्साहपूर्वक आयोजित करने और राष्ट्रीय पोषण में बड़ी सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महिला एवं बाल विकास के साथ साथ अन्य विभाग भी इस कार्यक्रम के सहयोगी रहेंगे। इस अभियान में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए भोजन के सही तरीके से पकाने व खाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस बारे में महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी श्रीमती नीरजा शर्मा ने बताया कि अभियान के 4 सप्ताह में अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। नमस्कार, मैं नीरजा शर्मा, परियोजना अधिकारी बैतूल ग्रामीण महिला विकास की ओर से 1 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक जो पोषण सप्ताह मनाया जाना है, उसकी थीम जो है कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। ये लाइन जो है नीचे वाली, ये हाईलाइटेड है, क्षेत्रीय भोजन की डोर। इस पूरे माह को 4 सप्ताह में बांटा गया है। पहले सप्ताह में हम लोग आंगनवाड़ी स्कूल परिसर और पंचायत भवन परिसर और ग्राम के जो भी सार्वजनिक स्थल परिसर हैं, उन पर पोषण वाटिकाओं का निर्माण करके उसमें स्वरफल स्वरूप पौधरोपण करेंगे। ये हमारी पहले सप्ताह की कार्यविधि है। दूसरे सप्ताह में हम पोषण के लिए योग का सहयोग लेंगे। इसमें गर्भवती महिलाएं, बच्चे और किशोरी बालिकाओं को योगाभ्यास कराया जाएगा। तो जो आसनास उनके लिए जरूरी है, उन आसनास को किया जाना ये हमारा प्रस्तावित है। तीसरे सप्ताह में न्यूट्रिशन
से संबंधित जो भी हमारी जागरूकता गतिविधियां हैं उनकी सामग्री का वितरण करना है और जागरूकता के लिए रैलियों का आयोजन किया जाना है और लोगों को मीटिंग्स के जरिए जो डायरेक्टरेट से भी होंगी जूम मीटिंग्स उसके जरिए आईसी किट्स का वितरण कर इस कार्यक्रम को सुचारू करेंगे और लास्ट सप्ताह में इन तीनों सप्ताह के इसमें बच्चों का वजन लिया जाएगा। एक एक पांच पांच बच्चों को बुलाकर उनका वजन लेना है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और लास्ट में उन बच्चों के वजन से सैम बच्चों का अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन किया जाना है और जो हमारा थीम है क्षेत्रीय भोजन की डोर उसको यहाँ पर कारगर साबित करना है, पौष्टिक भोजन का वितरण कर बच्चों को और माता पिता को समझाइश दी जाएगी। ये हमारा इस पूरे पोषण माह का थीम है। तो मुख्य रूप से यही है कि क्षेत्रीय भोजन के द्वारा कुपोषण को किस तरह से दूर किया जाना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। बालाघाट जिले में पोषण माह के अंतर्गत किस तरह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास चौधरी। सुपोषित भारत की परिकल्पना को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन एवं जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस कड़ी में कलेक्ट्रेट कार्यालय बालाघाट में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिशैन के मुख्य आतिथ्य में एक कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्रीमती रेखा बिशैन ने संबोधन में कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी सशक्त बने इसके लिए बच्चों एवं माताओं में कुपोषण दूर करने की ज़रूरत है। हमारे घरों में एवं आसपास पौष्टिक गुणों से भरपूर आहार उपलब्ध है। पौष्टिक आहार को अपने भोजन में शामिल करने की ज़रूरत है। गर्भवती माताओं एवं बच्चों के खान पान पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कुपोषण दूर करने के लिए सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसके लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता की जरूरत है। तभी हम अपने बच्चों एवं गर्भवती माताओं को कुपोषण से मुक्त कर सकेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती लीना चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय से होने वाले पोषण माह में महिला बाल विकास नोडल विभाग के रूप में भूमिका निभाएगा। इस वर्ष पोषण माह की थीम कुपोषण छोड़ पोषण की आगे और थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर है। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा एवं ANM द्वारा गृह भेंट सर्वे कर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ऊंचाई एवं वजन लेने का अभियान चलाया जा रहा है। पोषण माह के 4 सप्ताह 4 अलग अलग थीम पर निर्धारित किए गए हैं। 1 से 7 सितंबर तक पोषण वाटिका एवं पौधरोपण थीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों स्कूलों पंचायत भवन अन्य सार्वजनिक स्थल पर पोषण वाटिका के माध्यम से पौधरोपण किचन गार्डन तथा संबंधित कैंपस एवं भवन परिसर में न्यूट्री गार्डन को बढ़ावा देना गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार संबंधी स्लोगन प्रतियोगिताएं आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पोषण वाटिका प्रतियोगिता आयोजन होगा। इसके अलावा कैंप लगाकर स्वच्छता एवं कोविड टीकाकरण के संबंध में 2 दिवसीय संवेदीकरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दूसरे सप्ताह 8 से 15 सितंबर तक पोषण के लिए योग एवं आयुष का उपयोग थीम के तहत आयुष पत्ती कर भोज पोषण के लिए जागरूकता अभियान गर्भवती महिलाओं स्कूल के बच्चों एवं किशोरियों के लिए योग अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय पोषण माह के तीसरे सप्ताह 16 से 23 सितंबर तक हाई वर्डन जिलों के हितग्राहियों को न्यूट्रिशन किट एवं IEC जागरूकता संबंधी सामग्री का वितरण किया जाएगा। चौथे सप्ताह 24 से 30 सितंबर तक अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन पोषण भोजन का वितरण SAM बच्चों के चिन्हांकन के लिए समुदाय एवं संवेदीकरण गर्भवती माताओं के लिए प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का तथा बच्चों के कुपोषण पर केंद्रित EQUIZ प्रतियोगिता होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी। समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे प्रदेश के विभिन्न जिलों की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।